Hello everyone, welcome to my YouTube channel Agri Step Up and today's topic is structural signature. Signature का क्या importance है? Signature किसी भी person का identity होता है. अगर आप भी signature करते हैं तो वो किसी दूसरे person से अलग होता है, तो उस signature से उस इंसान को जाना जाता है, ठीक है. तो similarly spectral signature भी एक remotely sense parameter है different surface feature को identify करने का, different object को identify करने का. मतलब अगर एक object है उसका spectral signature किसी दूसरे object से अलग होगा. किसी सरफेस फीचर का अगर करते हैं जहाँ वेजिटेशन है और कहीं पे वेजिटेशन नहीं है, तो दोनों का जो है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर अलग आएगा. और स्पेक्ट्रल सिग्नेचर में क्या करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका हमें स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ड्रॉ करना है, उसका उस ऑब्जेक्ट का जो रेडिएशन जो वो एमिट कर रहा है, रेडिएशन जो रेडिएट कर रहा है, उसका वेवलेंथ और रिफ्लेक्टेंस के बीच जो कर्व ड्रॉ किया जाता है वही है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर. तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व या स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस सिग्नेचर भी कहा जाता है. एनी रिमोटली सेंस पैरामीटर विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करेक्टराइजेज द नेचर एंड और कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड एज इट्स सिग्नेचर. तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का यूज़ रिमोट सेंसिंग में किया जाता है. और जैसा कि हमने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट जो है रेडिएशन एमिट कर रहा है, उसका वेवलेंथ जो है, उसका वेवलेंथ जो यूनिक पैटर्न होता है उसका, तो जिसके बेसिस पे ही स्पेक्ट्रल सिग्नेचर हम ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ एक वर्ड आता है स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व. तो रिफ्लेक्टेंस का मतलब क्या है इसको हम डिटेल से समझते हैं. तो कोई भी जो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है अर्थ से तीन तरह से इंटरैक्ट करता है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन. यहाँ फिगर में जैसे ड्रॉ किया गया है रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन को. तो रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन रेडिएशन इज रीडायरेक्टेड आफ्टर हिटिंग द टारगेट एंड ट्रांसमिशन अकर्स व्हेन रेडिएशन इज अलाउड टू पास थ्रू द टारगेट एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स व्हेन रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द टारगेट. और रिफ्लेक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बेंस प्लस ट्रांसमिटेंस. तो एब्जॉर्बेंस अगर ज़्यादा होगा तो रिफ्लेक्टेंस कम होगा, और अगर एब्जॉर्बेंस जो है ज़्यादा है तो रिफ्लेक्टेंस कम होगा, ठीक है. तो इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे आगे. तो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस क्या होता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी अ सरफेस रिफ्लेक्ट एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड मेनी सरफेसेस रिफ्लेक्ट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम. जो हर ऑब्जेक्ट होता है, फीचर होता है, उसका एक अलग ही यूनिक स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है. एक रिफ्लेक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक होता है जिससे कि उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है. और स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस का फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बाय एनर्जी ऑफ वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट इनटू 100. तो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व का क्या मतलब है? मतलब डिफरेंट वेवलेंथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, डिफरेंट वेवलेंथ पे जो है ऑब्जेक्ट का क्या स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स है. मतलब जो रिमोट सेंसिंग से जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें जो जिस ऑब्जेक्ट का मुझे स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व बनाना है, ड्रॉ करना है, उस ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ और रिफ्लेक्टेंस में क्या रिलेशन है. तो जैसे कि यहाँ पर स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व ऑफ वेजिटेशन शो किया गया है, वेजिटेशन का स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व. तो कोई जो लार्ज एरिया है वेजिटेशन का, वहाँ पर जो है रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो ये डेटा रिकॉर्ड किया गया है, मतलब जो वेजिटेशन पे जो रेडिएशन पड़ा, रेडिएशन एमिट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, उसका वेवलेंथ और रिफ्लेक्टेंस के बीच जो कर्व ड्रॉ किया गया है, यही है वेजिटेशन का स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व. तो यहाँ जैसे है कि विजिबल इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, ये सारे वेवलेंथ में जो है रिफ्लेक्टेंस का रिलेशन देखा गया है वेजिटेशन के केस में. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन की वजह से यहाँ रिफ्लेक्टेंस कम दिख रहा है. मतलब जहाँ एब्जॉर्प्शन होगा तो वहाँ रिफ्लेक्टेंस कम होगा ही, और यहाँ वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से कम दिख रहा है. तो इनके पीछे क्या रीज़न है इस ग्राफ को अच्छे से समझने के लिए पहले इसके डिटेल जानते हैं, इसका डिटेल क्या है. तो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस ऑफ वेजिटेशन ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स, ठीक है. जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस है
वेजिटेशन का वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, पिगमेंटेशन, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड लीफ मॉइस्चर कंटेंट। तो पहले पिगमेंटेशन का इफ़ेक्ट समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन कैसे उससे डिफ़र करता है, पिगमेंटेशन के कारण कैसे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। या तो यहाँ आप जैसे कि फिगर देख रहे हैं कि हेल्दी लीफ का जो वेजिटेटिव सेल लिया गया है उसमें रेडिएशन जो है दिख रहा है आपको कि रेड और ब्लू लाइट जो एब्जॉर्ब हो रहा है और ग्रीन रिफ्लेक्ट हो रहा है और जो इंफ्रा रेड रेडिएशन है रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप जानते होंगे कि जो क्लोरोफिल ए और बी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिगमेंट होता है ये प्लांट का, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आप ये भी जानते होंगे कि जो रेड और ब्लू रीजन में जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो रेड और ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है ज़्यादा क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होता है। तो अगर रेड और ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा तो उसका रिफ्लेक्टेंस क्या होगा, कम होगा, है। क्योंकि क्या होता था फॉर्मूला, वन माइनस एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्बेंस प्लस ट्रांसमिटेंस, ठीक है, रिफ्लेक्टेंस का फॉर्मूला था। तो एब्जॉर्प्शन अगर ज़्यादा हुआ तो यहाँ रिफ्लेक्टेंस कम होगा ही, जैसा कि आप जानते हैं कि रेड रीजन का क्या होता है वेवलेंथ 0.4 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स और ब्लू का 0.6 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स होता है। तो उस रीजन में जो रिफ्लेक्टेंस कम होगा क्योंकि वो रीजन जो है अब्जॉर्ब हो रहा है। यहाँ जैसे ग्राफ में ड्रॉ किया गया है जो 0.4 वाला रीजन है और 0.6 वाला रीजन है, रेड और ब्लू वाला रीजन, इसमें क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन की वजह से एब्जॉर्प्शन हो रहा है मतलब रेडिएशन का, तो यहाँ जो है रिफ्लेक्टेंस कम होगा, ठीक है। यहाँ इसलिए जो ग्राफ्स में ये जो नीचे ये जो शो किया गया है कि ये जो ये रीज़न है वो ग्रीन वाला रीज़न है कि जो क्लोरोफिल जो ग्रीन क्यों दिखता है वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो यहाँ उसका रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। और भी बाकी कलर का ज़्यादा होता है इन सब के कंपेरिजन, जैसे रिफ्लेक्टेंस इसका जो रेड और ब्लू रीज़न का एब्जॉर्प्शन हो गया तो यहाँ इसका रिफ्लेक्टेंस कम है। यहाँ और एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उसका पेनिट्रेशन विजिबल रेडिएशन, जो विजिबल ये रेड ब्लू ग्रीन ये सब कलर को दिखाया गया है, उससे ज़्यादा पेनिट्रेशन इंफ्रारेड रेडिएशन का हुआ है। क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन का वेवलेंथ ज़्यादा होता है विजिबल लाइट के कंपैरिजन, है ना। यहाँ देखिए आप विजिबल से ज़्यादा जो विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है और जो इंफ्रारेड का है, विजिबल से ज़्यादा नियर इंफ्रारेड का है और उससे ज़्यादा शॉर्ट इंफ्रारेड रेडिएशन का वेवलेंथ है। तो दूसरा रीज़न है फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से भी रिफ्लेक्टेंस जो है अफेक्ट होता है। तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है लीफ का या वेजिटेशन का जो देख रहे हैं हम, उससे रिफ्लेक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब रेडिएशन डिसकंटिन्यूअस लेयर से होकर जाती है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखिए वो डिफरेंट लेयर से होकर जा रही है, एपिडर्मिस से मेसोफिल सेल में जा रही है, ठीक है। तो डिफरेंट लेयर से होकर जाती है तो सारे लेयर का डिफरेंट लेयर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होता है, जैसे कि रिफ्लेक्टेंस भी अलग होगा सारे लेयर का, ठीक है। और थर्ड ये है इफ़ेक्ट ऑफ लीफ मॉइस्चर। लीफ मॉइस्चर का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो रिफ्लेक्टेंस दो चीज़ों पर डिपेंड करती है अगर हम लीफ मॉइस्चर को देखें तो, एक है अमाउंट ऑफ वाटर इन लीफ एंड दूसरा है थिकनेस ऑफ लीफ। तो शॉर्ट वेव जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, आप जानिए कि शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन का वेवलेंथ नियर इंफ्रारेड से ज़्यादा होगा, तो वो नियर इंफ्रारेड रेडिएशन से ज़्यादा पेनिट्रेट करता है। तो अगर शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वैक्यूल के अंदर तक पेनिट्रेट करता है तो वैक्यूल में सेल सैप होता है, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि सेल सैप है मतलब वाटर भी काफ़ी अमाउंट है, तो वाटर जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और अगर इंफ्रारेड रेडिएशन को वाटर एब्जॉर्ब करता है तो अगर एब्जॉर्प्शन हुआ तो वहाँ रिफ्लेक्टेंस कम हो जाएगा। तो इसलिए हमने उस ग्राफ में दिखाया था, तो यहाँ हमने दिखाया ग्राफ में कि वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से यहाँ जो है रिफ्लेक्टेंस कम दिखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेजरली जो है वो तीन बैंड में वाटर एब्जॉर्प्शन जो है मेजर बैंड दिखने को मिल रहा है, वेवलेंथ 1.4 माइक्रोमीटर, 1.9 माइक्रोमीटर एंड 2.7 माइक्रोमीटर।
तो आपने क्या समझा कि विजिबल रीजन में क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन की वजह से, जो ब्लू और रेड रीजन में क्लोरोफिल का जो है एब्जॉर्प्शन जो किया था ब्लू और रेड लाइट का, उसकी वजह से वहाँ अप्स एंड डाउन जो देखने को मिलता है ना, वो डाउन जो वो दिखने को मिला था आपको, मतलब रिफ्लेक्टेंस कम मिला था देखने को वहाँ क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन की वजह से। और नियर इंफ्रारेड रेडिएशन में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट के कारण वो देखने को मिला था, वो नियर इंफ्रारेड रेडिएशन का जो कर्व था। और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन में वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड देखने को मिला था आपको। जैसे कि इस फिगर से आप क्लियरली समझ सकते हैं, क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन जो है विजिबल रीजन में और नियर इंफ्रारेड रेडिएशन में सेल स्ट्रक्चर से डिपेंड करता है, और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन जो वाटर कंटेंट की वजह से यहाँ इस ग्राफ में ऐसा वेरिएबिलिटी शो कर रहा है। और एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो अटिपिकल प्लांट लीव रिफ्लेक्टेंस कैन बी स्पेसिफाइड बाई 4 ऑप्टिकल पैरामीटर्स, दैट इज़ EWT इक्विवेलेंट वाटर थिकनेस, एंड सेकेंड इज़ वॉइड एरिया इंडेक्स VAI, एंड थर्ड इज़ इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड फोर्थ इज़ इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।